नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आज का इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर के अंदर क्वेश्चन पैटर्न डब्ल्यू एस क्वेश्चन एक क्लास नंबर सेवेंटी है बाकी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो का पी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पैटर्न डब्ल्यू एस क्वेश्चन और वीडियो क्लास में प्रीवियस प्रीवियसर का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है ये जान लेते हैं क्वेश्चन इज ए लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन यूज टू मेक ए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और द रिक्वेस्ट मेड यूजिंग सच एन एक्सप्रेशन द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड शुड बी प्रोवाइडिंग द फॉर्म ऑफ एन एंसर इसके बाद नेक्स्ट वो डिस्कस करेंगे डब्ल्यू एस क्वेश्चन जिसको क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है इसका कितना टाइप है इसका दो टाइप है येस नो टाइप और नेक्स्ट है डब्लू एस क्वेश्चन डब्ल्यू एस क्वेश्चन आर द क्वेश्चन स्टार्टिंग विद डब्लू एस वर्ड डब्लू एस क्वेश्चन जो है डब्लू एस वर्ड से शुरू होता है वेन वाट व्र हुम हुई होज वाई एंड हाउ क्वेश्चन वर्ड आर यूज टू आस्क अबाउट स्पेसिफिक क्वालिटी टाइम प्लेस पीपुल एंड सोन इसके बाद नेक्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वर्ड उसका यूज और एग्जाम्पल तो सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड है व्हाट व्हाट इज़ यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स व्हाट का यूज जो है कोई चीज़ थिंक के बारे में पूछने के लिए यूज होता है फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वर्ड है वैन वेन आर यूज टू आस्क अबाउट टाइम टाइम पूछने के लिए वैन का यूज होता है फॉर एग्जाम्पल वैन विल द मीटिंग स्टार्ट नेक्स्ट वर्ड है वेयर वेयर का यूज प्लेस के बारे में जानने के लिए यूज होता है वेयर इज माई बैग फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव यहाँ पे प्लेस के बारे में आक्स किया जा रहा है इसीलिए यहाँ पे हुएर का यूज किया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हु हु का यूज कब किया जाता है हु इज यूज टू वर्क अबाउट पीपुल कोई आदमी के बारे में पूछने के लिए हु का यूज होता है फॉर एग्जाम्पल हु डू यू लव द मोस्ट इन योर फैमिली हु टोल्ड यू डेट द स्टोरी तो ये सब एग्जाम्पल है हु का इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है होम होम इज यूज टू वर्क अबाउट पीपल ऑब्जेक्ट अवे भर फॉर एक्जाम्पल होम डिड यू सी इन द मॉर्निंग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हुच हुई आर यूज टू वर्क अबाउट चोइसेज च्इेस के बारे में जानने के लिए हुई का यूज होता है फॉर एग्जाम्पल हुई वन डू यू चूज द लेफ्ट और राइट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हुज हुक्स अबाउट पोजिशन फॉर एक्जाम्पल हु इज दिस हु नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड हैर यूज टू वर्क्स अबाउट रीजन कॉजेस कॉजेज और रीजन जानने के लिए वाई का यूज होता है फॉर एग्जाम्पल वाई डिड इट हैपन वाई ही इज क्राइंग नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हाउ हाउ इज यूज टू वर्क्स अबाउट मैनर प्रोसेस प्रोसेस और मैनर जानने के लिए हाउ का यूज होता है फॉर एग्जाम्पल हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम तो ये सब था क्वेश्चन वर्ड के बारे में और इसके यूजेस के बारे में और एग्जाम्पल के बारे में इसके बाद नेक्स्ट नोड ने डिस्कस करेंगे हाउ टू फॉर्म डब्ल्यू एच क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन को कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे विथ एन एक्जुलरी वर्ब तो इसको फॉर्म करने के लिए क्या पैटर्न है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एक्जुलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स नॉट मेन वर्ब एक्जुल वर्ब जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा मेन वर्ब के रूप में नहीं कॉमन एक्जुलट भाव इंक्लूड बी डू हैव अदर्स आर विल सेल वुड कैन कुड कुट मासट मे माइट ये सब जो है कॉमन एक्जुलट भाव हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू डू फॉर ए लिविंग तो ये सब था डब्ल्यू एस क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं इसके बाद नेक्स्ट हम ने लोग डिस्कस करेंगे रेस्पॉन्डिंग टू डब्ल्यू एस क्वेश्चन डब्ल्यू एस क्वेश्चन को हम लोग कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे सबसे पहले व्हाट से शुरू करते हैं व्हाट इज इट तो इसका आंसर क्या होगा इट इज़ ए टेबल नेक्स्ट एग्जाम्पल है वट कलर इज योर ड्रेस इसका आंसर होगा इट्स पर्पल ठीक है इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वैन का वैन का आंसर क्या हो सकता है तो वैन से क्वेश्चन शुरू होगा वैन विल द ट्रेन अराइव इसका आंसर होगा द ट्रेन विल अराइव इन थर्टी मिनट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है वैन डाज सी गेट अप इसका आंसर होगा सी गेट्स अप एट सिक्स एम तो इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आंसर इस प्रकार का होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है वेर इसका आंसर किस प्रकार हो सकता है और क्वेश्चन कैसा होगा वेर डू यू लिव इसका आंसर इस प्रकार होगा आई लिव इन वॉशिंगटन डी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर आर यू गोइंग आई एम गोइंग टू जू नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हु हु इज दिस ये कौन है इसका आंसर होगा सी इज माय न्यू रूममेट इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं हु का हु वांट्स टू बी ए साइंटिस्ट इन द फ्यूचर इसका आंसर होगा माय सिस्टर डज आई डोंट ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड है होम होम से क्वेश्चन कैसे बने गया होम शुड वी टॉक टू इसका आंसर इस प्रकार होगा वी शुड टॉक टू द प्रिंसिपल इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है होम डिड यू सी स्टाडे आई शो केविन एंड हिज गर्लफ्रेंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है से क्वेश्चन कैसे बनेगा हुई डू यू लाइक इसका आंसर इस प्रकार होगा आई लाइक द वन विद द बिग येलो स्टार ऑन इट और भी एग्जाम्पल है आप सब लोग पी से पढ़ लीजिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हुज हुज इज इस दिस इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं इट्स माई मॉम इसके बाद और भी एग्जाम्पल है हुज बर्थडे इज इट्स हुए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है से क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है वाई डोंट वी विजिट हिम नाउ इसका आंसर इट्स ए गुड आइडिया इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई डिड यू लिव सो अर्ली इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं बिकॉज आई डिड नॉट इन्जॉय द पार्टी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वार्ड है हाउ हाउ इज द वेदर वेदर आज कैसा है इसका आंसर हम लोग देख सकेंगे इज सानी एंड हॉट नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ डू यू फील आई फील मच बेटर नाउ तो इस प्रकार क्वेश्चन होगा तो आंसर इस प्रकार हम लोग दे पाएंगे तो हम लोग डिस्कस किए नो क्वेश्चन डब्ल्यू एस से जो शुरू होगा उसका आंसर किस प्रकार दे पाएंगे इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तो सबसे पहले क्वेश्चन है आप सभी के सामने फिलिंदा ब्लैंक दिया है उसको फिलअप करना है आप सभी को बताना है चारों में से कौन सा बेस्ट होगा उसका आगे दिया है डिड ही नॉट कम और इसका आंसर क्या होगा ही वॉज बिजी ऑल डे तो आंसर आप सभी के लिए यहाँ पे हिंट के लिए दिया है आप सभी को बताना है फिलिंद दे ब्लैक में क्या होगा यहाँ पे हाई होगा हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं वाई क्यों होगा हाउ क्यों नहीं होगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने यहाँ पे भी फिलिंद द ब्लैंक दिया है उसका आगे दिया है वॉज द वेदर लाइक ऑन मंडे इट वॉज रेनिंग ए लॉट तो आप सभी को बता रहे है फिर द ब्लैंक में क्या होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आप सभी लोग यहाँ पे यूज देख पाएंगे हाउ वैन व्हाट इसका यूज यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे बेस्ट सूट क्या होगा हाउ होगा हाउ वॉज द वेदर लाइक ऑन मंडे इसका आंसर होगा इट वॉज रेनिंग ए लॉट तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुई क्वेश्चन वर्ड इज यूज फॉर आक्सिंग अबाउट टाइम टाइम पूछने के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है टाइम पूछने के लिए वैन का यूज़ होता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस इज योर फेवरेट रेस्टोरेंट आप सभी को फिल इन द ब्लैंक पे फिलअप करना है कौन सा डब्ल्यू एस क्वेश्चन होगा यहाँ पे हुच होगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुई क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे फेवरेट रेस्टोरेंट रेस्ट रेस्ट का बात किया गया है और हम लोग जानते हैं हुच का यूज कब होता है चॉइस आक्स करने के लिए इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच